इस वीडियो में आपको क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन टी के ऊपर जाके देख सकते हैं यदि आपको पी डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं डब्ल्यू टाइम थ्री आवर्स मार्क्स सेवनटी नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड स्ट्रिकली फॉलो दैम यानी कि नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इनको जो है स्ट्रिक्टी फॉलो करना है फर्स्ट पॉइंट है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू फाइव सेक्शंस ए बी सी डी ई ये क्वेश्चन पेपर पांच सेक्शन में डिवाइड किया गया है ए बी सी डी ई में सेकंड पॉइंट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस थर्टी फाइव क्वेश्चन इसके अंदर आपको टोटल पैंतीस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं थर्ड पॉइंट इन सेक्शन ए जो सेक्शन ए है इसके अंदर आपको क्वेश्चन वन से लेकर एटीन तक देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के रहेंगे पॉइंट फोर सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के रहेंगे पॉइंट फाइव सेक्शन सी के अंदर आपको क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी तक देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन तीन तीन नंबर के रहेंगे नेक्स्ट है पॉइंट सिक्स सेक्शन डी के अंदर आपको क्वेश्चन थर्टी वन से लेकर थर्टी थ्री तक देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पाँच पाँच नंबर के रहेंगे पॉइंट सेवन सेक्शन ई के अंदर आपको क्वेश्चन थर्टी फोर और थर्टी फाइव केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन आपके चार चार नंबर के रहेंगे पॉइंट एट देर इज नो ओवरऑल चॉइस ओवरऑल चॉइस आप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी बट इंटरनल चॉइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अब इंटरनल चॉइस कैसे होगी सेक्शन बी के अंदर कोई दो क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगी सेक्शन सी में भी आपको किन्नी दो क्वेश्चनों के अंदर सेक्शन डी के अंदर आपको सभी क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगी और सेक्शन ई e के अंदर आपको कोई दो क्वेश्चन के अंदर इंटरनल च्वाइस देखने को मिलेगी अब ओवरऑल च्वाइस और इंटरनल च्वाइस क्या होती है पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल च्वाइस जैसे कि क्वेश्चन ले लिया हमने ट्वेंटी क्वेश्चन ले लिया ट्वेंटी क्वेश्चन ले लिया हमने ट्वेंटी ओवरऑल का मतलब ये है कि इक्कीस या बाईस में से एक कीजिए ये होती है ओवरऑल अब इंटरनल क्या होती है कि जैसे मैंने क्वेश्चन ट्वेंटी वन ले लिया दोबारा इसी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी के और में एक क्वेश्चन और मिलेगा इसी को बोलते हैं इंटरनल च्वाइस यानी कि या तो इक्कीस में ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला जिसको हम अथवा बोलते हैं यूज द कैलकुलेटर कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड अलाउड पे बिल्कुल भी नहीं है आपको याद रखना है सेक्शन ए क्वेश्चन वन टू एटीन आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क्स ईच यानी कि सेक्शन ए के अंदर एक से लेकर अठारह तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर हो गए आपके एट्टीन

िटी ऑफ डाई मैग्नेटिक सबस्टांस इज तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा स्मॉल एंड नेगेटिव ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन फोर विच फिनोमिना इलेस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ ए लाइट वेव्स तो यहाँ पे देखिए कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है नन ऑफ दीज क्योंकि जो कौन सा फिनोमिना होता है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव्स को जो है दिखाता है इलेस्ट्रेट करता है तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसलिए जो है यहाँ पे अपना राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है गामा रेज की डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन सिक्स द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव इज सिक्सटीन रेशियो नाइन द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न इज तो यहाँ पे जो रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो ये होता है रूट पहली इंटेंसिटी यानी कि सिक्सटीन का रूट प्लस में नाइन का रूट और इस कंप्लीट का क्या लेना आपको स्क्वायर तो नाइनटीन का जो है सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर नाइन का होता है थ्री और इसका स्क्वायर जब थ्री और फोर को ऐड करेंगे सेवन सेवन का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी नाइन तो ये आई मैक्सिमम आ गई अब हमें आई मिनिमम निकालना है तो सेम क्या करेंगे यहाँ पे हम आई मिनिमम रूट सिक्सटीन माइनस रूट नाइन और इसका स्क्यर सिक्सटीन का स्क्केयर रूट होता है फोर नाइन का स्क्यर रूट होता है थ्री और इसका स्क्र फोर माइनस थ्री कितना होगा वन और वन का स्क्वेयर कितना होता है वन तो यहां है मैक्सिमम और मिनिमम का जो है रेशियो जो रेशियो निकालना है तो यह हो जाएगा अपना फोर्टीन नाइन रेशियो वन तो अपना यहाँ पे जो है सिक्स में क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन क्या होगा राइट क्वेश्चन सेवन द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए ह्यूमन आई इज तो इसका राइट आंसर है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन एट प्रीजम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो प्रीजम जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है रिफ्रैक्शन के ऊपर बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन ये रिएक्शन देखिए आपको एक्स बताना तो यहां पे जो एक्स होगा ये क्या होगा तो एक्स का मतलब यहां पे क्या है एटोमिक नंबर जिसको हम जेड बोल देते हैं तो यहां पे जो एटोमिक नंबर कितना आएगा यहाँ पे नाइनटी सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन टेन टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ आर सुपर इम्पोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द विल बी मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन दैम इज जीरो यानी कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा रेजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम होगा कब होगा अगर उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन नेक्स्ट है देखिये यहाँ पे क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच अपॉन पी यानी कि जो वेवलेंथ होती है जिसको हम लेमडा बोलते हैं ये इक्वल टू होता है किसके इसके प्लांगज कॉन्स्टेंट यानी कि एच डिवाइड में मोमेंटम यानी कि पी तो ये जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ट्वेल्व एट एब्सोल्यूट जीरो जर्मेनियम एक्ट एज यानी कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन थर्टीन द एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन यानी कि एनर्जी जो गैप है वो मैक्सिमम होता है तो किस में होता है ये होता है इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटर के अंदर जो मैक्सिमम होता है तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी कि नॉन है मेटल सी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम फोर यानी कि ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो किस लाइट की मिनिमम होगी वोलेट की बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट क्वेश्चन फिफ्टीन टू एटीन यहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं रीजन असर्सन के आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला ए आपको तब सेलेक्ट करना जब असरसन और रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असरसन की ऑप्शन बी आपको तब सेलेक्ट करना जब असरसन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन जो रीजन है वो असरसन की करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है सी आपको तब सेलेक्ट करना है जब असरसन सही हो लेकिन रीजन गलत हो और डी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब दोनों असरसन और रीजन क्या हो फॉल्स गलत तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 का दिया गया है 15 है असर्सन दे रखा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ट्री है ट्रू है ये रीजन दे रखा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या ट्रू है और ये इसकी क्या ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए और ए का मतलब क्या है कि असरसन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी इसकी की तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टीन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिक्सटीन में देखें यहाँ पे रीजन असरसन दे रखा है कि द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर इंसुलेटेड कंडक्टर तो बिल्कुल सही है ट्रू हुई है रीजन है कि द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नॉट पॉसिबल ये भी क्या ट्रू है लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इनका आपस में जो है रिलेशन नहीं है तो इसमें जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन यानी कि असरसन और रीजन तो सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्वेश्चन सिक्सटीन का जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा अपना बी नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवनटीन एसरसन दे रखा है कि टोटल फ्लेक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नेट चार्ज इन क्लोज बाई द इज जीरो ट्रू है पहली स्टेटमेंट रीजन है गोज लाइज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर वाट इज द शेप ऑफ साइज ये भी क्या ट्रू और ये ऊपर वाले की क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए ए का मतलब क्या है कि एसरसन भी सही है रीजन भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चन एटीन देखिए यहाँ पे सरसन दे रखा कि इन यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंस आर ऑफ इक्वल विड ये भी ट्रू है रीजन है कि द फ्रिंज विडथ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा यूज्ड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लाइड्स डी एंड स्लाइड सेपरेशन डी ये भी क्या ट्रू हो रही है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा आपका ए क्वेश्चन नंबर एट्टीन का राइट आंसर है ए का मतलब क्या है कि सरसन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सरसन की सेक्शन बी देखें यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे दो दो नंबर के दिए गए हैं सबसे पहला है यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज एफ फाइन वट वेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज मेड वन फोर्थ वट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स यानी कि जो नया फोर्स बनेगा यानी कि दो पार्टिकल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको वन बाई फोर्थ कर दिया तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे अपने पास कोई भी दो पार्टिकल ले लिया हमने ये इस प्रकार है और ये कौन से पार्टिकल हैं एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव इनके बीच की डिस्टेंस है आर अभी जो नई डिस्टेंस है ये वन बाई फोर्थ कर दी वन बाई फोर्थ का मतलब क्या है कि अब ये नज़दीक आ गए अब ये क्या आ गए नजदीक आर बाई फोर अब नया फोर्स बताना है तो पहले वाले फोर्स को मान लिया हमने क्या है एफ और एफ का मतलब क्या होता है कि के क्यू वन क्यू टू आप में आर है सुकेर अब जो नया फोर्स बनेगा यानी कि एफ है डैश ये क्या हो जाएगा के केव वन केव टू अपोन आर आर का मतलब क्या है यहाँ पे आर बाई फोर लेना पड़ेगा आर बाई फोर का स्क्यर अब आर का फोर का स्क्वेयर होता है सिक्सटीन सिक्सटीन ऊपर चला जाएगा इसका मतलब एफ़ डैश इजिकल टू आ गया सिक्सटीन केव वन केव टू अपन आर स्क्यर और ये केव वन केव टू अपन आर स्क्यर किसकी वैल्यू है एफ़ की वैल्यू है तो यहाँ पे रख लीजिए सिक्सटीन एफ़ यानी कि जो नया फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का सिक्सटीन टाइम्स तो इसका राइट याद रखना कि जो नया फोर्स है वो क्या है सिक्सटीन एफ यानी कि सिक्सटीन टाइम्स ठीक है बढ़ जाएगा यहाँ पे इसी के ओर में क्वेश्चन और देखा कि व्हाट इज़ आर्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन माइक्रोकुल वन माइक्रोकुल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फॉर्मूला आता है क्यू इज इक्वल टू तो एन ई हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो एन हो जाएगा अपने पास क्यू अपॉन में ई तो क्यू यहाँ पे चार्ज है कितना माइक्रो है टेन पॉइंट टेन की पावर माइनस सिक्स डिवाइड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है पावर माइनस नाइनटीन माइनस नाइनटीन ऊपर चल जाएगा जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी का दे रखा है यहाँ पे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट तो इसका आंसर बनेगा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नेगेटिव। इट शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनर्जी मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस क्वेश्चन ट्वेंटीर कोस आर कैरिंग करेंट आर आई वट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट है बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन ऑन मे टू आर तो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपन मे टू आर क्वेश्चन ट्वेंटी टू आपको ड्रा करना है फेज फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली यानी एसी सर्किट का आपको जो डायग्राम तैयार करना है जिसके अंदर केवल कैपेसिटर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले हमने कैपेसिटर ले लिया अब इसके साथ क्या करेंगे जो अपनी एसी जो वोल्टेज है ये क्या कर देंगे ज्वाइन यानी कि एसी जो वोल्टेज है ये ज्वाइन कर देंगे तो इस टाइप का जो है डायग्राम बनेगा ऊपर जो है क्या है कैपेसिटर यानी कि सी क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो प्रॉपर्टी बतानी है तो पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर ये नेचर के अंदर ट्रांसवर्स होती है सेव द सेम द स्पीड इन वैक्यूम फॉर ऑल वेव्स सभी जो वेव्स हैं वैक्यूम के अंदर उनकी स्पीड बराबर होगी नो मटीरियल मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन इनको प्रोपोगेशन यानी कि चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती एंड लास्ट पॉइंट दे प्रोपेगेट बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सच दैट दीज टू फील्ड्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड एट राइट एंगल्स विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव क्वेश्चन ट्वेंटी फोर डिफाइन करना है पावर ऑफ लेंस एंड गिव इट्स यूनिट तो आंसर है पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट यानी कि ये एक योग जो है एबिलिटी है योग्यता है जो है लाइट जो आती है उनको कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो उसके ऊपर पड़ती है ये पावर लेंस की जो है एबिलिटी होती है नेक्स्ट है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसि प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी कि पावर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं वन अपन में फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ यहाँ पे किस में होगा आपका मीटर में किस में होगा मीटर मीटर जो है ये क्या मीटर है पावर आगे देखिए हम बात करें पीजी इक्वल टू वन बाई एफ देखिए अस्सा यूनिट अगर बात करें तो अस्सा यूनिट होती है इसकी डाएप्टर डी आई डी आई ओ पी टी आर ई डाइप्टर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं ये एस आई यूनिट होती है किसकी पावर की क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव वट इज द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग हंड्रेड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है वेव लेंथ निकालनी है तो वेव लेंथ का फार्मूला होगा लेमडा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू सेवन डिवाइड में रूट ऑफ वोल्टेज यानी कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक फॉर्मूला और भी होता है यानी कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपन में स्केयर रूट टू एम ई वी तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है आप बस इसको याद कर लीजिए ऊपर वाले को तो अपना जो है डायरेक्ट सोल हो जाएगा हम वैल्यू पुट कर लेते हैं देखिए वन पॉइंट टू टू सेवन डिवाइड में स्केयर रूट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड का स्क्वेयर रूट आपको पता है कितना होता है टेन तो वन पॉइंट टू टू सेवन डिवाइड में टेन सोल so करेंगे तो वन जीरो पॉइंट क्योंकि डेन से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन टू टू सेवन ये आंसर आएगा अगर आपको लगभग लिखना है अप्रोक्सीमेट लिखना है थ्री डिजिट में तो जीरो पॉइंट वन टू थ्री इतना आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन टू थ्री और इसके आगे नैनो मीटर नेक्स्ट पे चलते हैं इसी के ओर में क्वेश्चन और दे रखा कि, how will the है कि हाउ विल दोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज ऑन डिक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिविंग फोटो सेंसिटिव मटीरियल तो इसका राइट आंसर रहेगा देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अफेक्टेड बाई डिक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन प्रोवाइडेड इट्स इंटेंसिटी रिमेन अनचेंज यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा ये इफेक्ट नहीं करता किसके ऊपर अगर जो वेवलेंथ अगर उसको घटा देंगे कब जब जो इंटेंसिटी है वो क्या रहे रिमेन अनचेंज यानी कि सेम रहे तब सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है तीन तीन नंबर के ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे केवल मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट ला और मैं स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय इट्स साउट्स ला क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ड्रा द ग्राफ सोविंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन ट्वेंटी एट डिफाइव मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस जेड एक्स ए जेड का मतलब है एटोमिक नंबर ए का मतलब है एटोमिक मास राइट द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन वट इज द ड्राबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटोमिक मॉडल नेक्स्ट थर्टी का एक्सप्लेन डायड हेज फुलर ऑन और इसकी ओर में फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन दे रखे यहाँ पे पांच पांच नंबर के क्वेश्चन थर्टी वन ऑप्टेंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और डिड्यूस ओम्स ला ठीक है ओम्स ला तो कमेंट सेक्शन में मुझे ओमजला की जो फॉर्मूला लिखना ओमजला का जो फॉर्मुला क्या होगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे और वट इज वीट स्टोन ब्रिज वट डू यू मीन बाई बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विट स्टोन ब्रिज यूजिंग किर्च ऑफ ला ड्राइव द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विट स्टोन ब्रिज अगर आपको ये रीड करने इनके सोल्यूशन तो मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट आपको इस कोने में जो दिख रही होगी इस पर जाके इनको रीड कर सकते हैं बाकी वीडियो भी, भी आपको जो चैनल पर मिल जाएगी थर्टी टू ऑपटेन एंड एक्सप्रेशन फोर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरलर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड हैं डिफाइन वन एम्पीयर हाउ पैरलर एंड एंटी पैरलर करंट्स बिहेव इसी के ओर में एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फेरो मैग्नेटिज्म हाउ फेरोग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर क्वेश्चन थर्टी थ्री एक्सप्लेन द एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप ऑफ टेलीस्कोप बाई ड्रॉइंग डाइग्राम इसी के ओर में है वट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन इट्स विद टू एग्जाम्पल सेक्शन ई के स्टडी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं इसके अंदर जो है सभी क्वेश्चन चार चार नंबर के हैं थर्टी फोर का तो ये जो है यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी करंट आई फ्लो फ्लोथ्रो ए मेटालिक कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रैक्स जो है क्रॉस सेक्शन ए इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज एज ए फंक्शन ऑफ ए विल बी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है तो यहाँ पे जो है इसका क्या बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा डिक्रीज नेक्स्ट है बी पार्ट फोर ओमजला इज ओबेड देन इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई के नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे सी वट इज द करेंट फ्लोज इन ए कंडक्टर वट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो इट तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो सी इसका आंसर होगा टेन की पावर माइनस टू सेंटी मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है टू टू नाइक्रोम वायर आर इक्वल लेंथ बट हैविंग रेडियाई इन द रेशियो रेशियो थ्री द कनेक्टेड इन द सीरीज एक्रोस एंड इलेक्ट्रिक सेल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रो देम विल बी द रेशियो ऑफ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो क्या होगी ये क्या होगी रेसिप्रोकल हो जाती है किसके रेडियस के तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा थ्री रेशियो वन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है इसी की ओर में देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसी की ओर का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना ये वाला क्वेश्चन इसी की ओर में यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के जो डी वाला पार्ट है ना इसी की ओर में दे रखा है पूरे क्वेश्चन में नहीं है वट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबसेंस यानी कि पाथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यदि अबसेंस हो क्या अबसेंस हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पाथ क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन याद रखना क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन इन दबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या रहेगा ये कर्व्ड ठीक है करावट लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो ट्विस्टिड यानी कि पाथ आर ट्विस्टेड क्वेश्चन थर्टी फाइव है डिवाइस दे रखा है यूज टू डिटेक्ट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन कंडक्टर बट इट कैन नॉट बी यूज टू डायरेक्टली एज ए मीटर इट एज वेरी लो लार्ज रेजिस्टेंस इट कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइक एन ए मीटर इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट बट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अमीटर सिमिलरली अगेलोनोमीटर कैन बी यूज एज वोल्ट मीटर आल्सो इन बोथ केसेस सेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर पहला क्वेश्चन है टू कनेक्ट ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर फॉर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी इन टू वोल्ट मीटर ए सेंट रजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे पैरलर पैरलर दूसरा है कन्वर्ट करना है इसको किसमें मीटर में तो भी क्या आ जाएगा यहां पे पैरलर लगभग मेरे को जहां तक नॉलेज है मेरे को लगता है कि दोनों में जो है पैरलर आएगा शायद सीरीज नहीं आएगा फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि इनमें से कौन से में सीरीज जाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सी का देखिए वाई इज गैलोनीमीटर नॉट यूज डायरेक्टली एज एम मीटर यानी कि गैलवेनोमीटर को जो है डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते मीटर की तरह तो इसका आंसर है द गैलोनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस यानी कि ये जो एक सेंसिटिव डिवाइस है फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट द गैलोनीमीटर डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम यदि थोड़ा सा जो है अगर थोड़ा सा भी अगर करंट पास किया जाए तो जो गैलोनीमीटर होगा ईज बहुत ज़्यादा जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा हैंस ईट में गेट डैमेज वे ए स्ट्रॉन्ग करंट इज पासिंग थ्रू द गैलोमीटर इसलिए डैमेज हो सकता है अगर इसके अंदर से ज्यादा करंट पास किया जाए तो शो जो है गैलोमीटर यूज एड मेजर्ड द करंट इसलिए जो गैलोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं करते डी का देखिए यहाँ पे गैलोनोमीटर विद कोयल ऑफ रजिस्टेंस वन ट्वेंटी ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट ऑफ टू पॉइंट फाइव एमपीयर मिली एम्पीयर टू कन्वर्ट इट इंटू गीटर ऑफ रेंज जीरो टू सेवन पॉइंट फाइव एम्पियर फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट रजिस्टेंस तो इसका सेंट रजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सेंट जो रजिस्टेंस होगा ये क्या होगा आई जी डिवाइड में आई माइनस में आई जी और मल्टीप्लाई में आर जी आई जी की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव अब वैसे तो ये टू पॉइंट फाइव मिली एम्पियर था लेकिन जब इसको एम्पियर में बदलेंगे तो इसको जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा लगभग जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव डिवाइड में आई आई यानी कि सेवन पॉइंट फाइव माइनस में आई जी यानी कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव मल्टीप्लाई में आर जी मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आर जी आर जी कितना है एक सौ बीस जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जीरो पॉइंट जीरो फोर ओम राइट आंसर आएगा अपना जब सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ करंट मेजर्ड बाय एमीटर मीटर यानी कि आपको करंट मेजर्ड करता है मीटर तो उसकी रीडिंग बतानी है तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्वेश्चन मैं आपसे लिए पूछ आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट हो जाता है तो जरूर आप इन क्वेश्चनों के आंसर दिए या करें जो कमेंट में पूछे जाते हैं और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट एम एस एजुकेशन टी वी डॉट कॉम यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग